हेलो 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 भाई, हेलो। ढोल वाले साथी एक बार स्वागत द्वार पर पहुंचे। और हमारे बीच में जिला रोहतक के प्रधान अनिल राठी जी भी पहुंचे हैं। राठी साहब का भी यहाँ पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद। और ग्राउंड नंबर एक पर दोनों टीमों को लाइनअप कर लें। इस मैच में आशीर्वाद के लिए जाएंगे अमेचर कबड्डी एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री कृष्ण लाल पवार जी और अमेचर कबड्डी एसोसिएशन के महासचिव श्री कुलदीप दलाल जी, साथ में आशीष चहल जी, तेग कोच साहब, डीएसओ साहब और सभी एसोसिएशन के पदाधिकारी, आप भी साथ में रहेंगे। दिलीप जी भी, अमेचर कबड्डी एसोसिएशन के जितने भी पदाधिकारी हैं, आप सभी से अनुरोध, ग्राउंड पर जाएं और इन बच्चियों को आशीर्वाद दें। हमारे आज के मुख्य अतिथि इनको एस्कॉर्ट करेंगे भिवानी जिले के महासचिव सुरेंद्र चहल जी। भाई, ढोल वाले साथी एक बार स्वागत द्वार पर पहुंचे, क्योंकि हमारे आज के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री बड़े भाई पवन सिंह चौहान, वो हमारे बीच में आ चुके हैं, और उनके साथ में वीपी यादव जी, उनके परम मित्र, वो भी उनके साथ यहाँ पर पहुंचे हैं। भाई पवन चौहान का और वीपी यादव जी का यहाँ पहुंचने पर समस्त ग्रामवासी, केलंगा इस खेल कमेटी, सबकी तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। और ग्राउंड नंबर एक पर बच्चियों का आशीर्वाद देते हुए एमेच्योर कबड्डी एसोसिएशन के प्रदेश के अध्यक्ष, पूर्व में रहे मंत्री आदरणीय श्री कृष्ण लाल पवार जी, उनके साथ में श्री धर्मवीर मलिक जी, बलबीर सिंह पहल जी और एमेच्योर कबड्डी एसोसिएशन के महासचिव श्री कुलदीप दलाल जी, श्री आशीष चहल जी, सभी पदाधिकारी इन प्रदेश की बेटियों को आशीर्वाद देते हुए, और ढोल नगाड़ों और फूल मालाओं के साथ हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री पवन सिंह चौहान जी, वीपी यादव जी, उनको फूल मालाओं के साथ समस्त ग्रामवासी, केलंगा की ये खेल कमेटी, ये स्वागत कमेटी स्टेज की तरफ लेकर आती हुई। और एक ग्रुप फोटो के लिए सभी पदाधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इन बच्चियों का आशीर्वाद दिया। और उधर ग्राउंड नंबर दो पर जो मैच चला हुआ वो बिल्कुल फंसा हुआ मैच है, सोनीपत और पानीपत के मध्य। और हमारे आज के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री पवन चौहान जी, उनके साथ में वीपी यादव जी, उन्हें और उनके सभी साथीगण का यहाँ पहुंचने पर समस्त ग्रामवासी केलंगा की तरफ से अभिनंदन है, स्वागत है। और जितने भी हमारे फेडरेशन अधिकारी यहाँ पे पहुंचे हैं, उनका भी यहाँ पहुंचने पर स्वागत और अभिनंदन है। जींद वर्सेज किदगांव मैच, जींद वर्सेज करनाल, ग्राउंड नंबर तीन पर लड़कों के वर्ग में जो मैच है, ग्राउंड नंबर तीन पर जींद वर्सेज करनाल, और लास्ट एंड फाइनल कॉल बोट टीम। हमारे आज के मुख्य अतिथि एमेच्योर कबड्डी एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री कृष्ण लाल पवार जी, और प्रदेश महासचिव श्री कुलदीप दलाल जी, और पवन सिंह चौहान जी, वीपी यादव जी और सभी उनके साथ आए फेडरेशन अधिकारीगण और हमारे मुख्य अतिथिगण, सबका यहाँ पहुंचने पर स्वागत है, अभिनंदन है। भाई मुख्य पंक्ति के अंदर मैं निवेदन करूंगा कि हमारे दामान खाप के प्रधान आए, हमारे विशिष्ट आए हुए हैं,
थोड़ा ध्यान रखें, स्टेज पर अनुशासन रखें, मेरी हाथ जोड़ के विनती है आपसे। हमारे प्रधान ऋषिपाल जी, बाहर से आए हुए सभी विशिष्ट अतिथिगण का गांव केलंगा की धरती पर पहुंचने पर हम गांव की तरफ से आभार प्रकट करते हैं और धन्यवाद करते हैं कि अपना कीमती समय निकालकर बच्चों का हौसला बढ़ाया, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। भाई बार बार अनुरोध किया जा रहा है, स्टेज का थोड़ा अनुशासन बनाए रखें, अपनी योग्यता पद का ध्यान रखें, हमारे विशिष्ट आए हुए हैं उसका ध्यान रखें आप। भाई ग्राउंड नंबर 3 पर जींद की टीम आ चुकी है, दूसरी टीम से रिक्वेस्ट है कि वो जल्दी से ग्राउंड करनाल की टीम, करनाल की बार अलाउस कर चुके हैं करनाल की टीम को भी, अगर नहीं आती तो जींद की टीम को वॉक ओवर दे दे। जिला करनाल की भी टीम भी ग्राउंड पर पहुंच चुकी है, ऑफिशियल से रिक्वेस्ट है कि दोनों टीमों को लाइन अप कर ले ग्राउंड नंबर 3 पर। और मैं हमारे धामान खाप के प्रधान जी उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वो हमारे आज के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री पवन सिंह चौहान जी, ओपी यादव जी और उनके साथ में आए सभी उनके मित्रगण, उनको ले जाकर ग्राउंड नंबर 3 पर इंट्रोडक्शन कराएं, उन बच्चों को आशीर्वाद दिलाएं। जींद और करनाल का जहां मैच है, और ग्राउंड नंबर 3 पर जो ऑफिशियल हैं संजय कोच साहब, लाइन अप कर लें दोनों टीमों को ग्राउंड नंबर 3 पर, दोनों टीमों को लाइन अप। ग्राउंड नंबर 1 पर जो मैच चला हुआ है लड़कियों के वर्ग में, उसका स्कोर अपडेट कर दे एक बार। ग्राउंड नंबर 2 पर हाफ टाइम हो चुका है, सोनीपत और पानीपत के मध्य ये मैच। सोलह और 12 का स्कोर पानीपत के पक्ष में, 16 अंक है जिला पानीपत के, 12 अंक है जिला सोनीपत के। लड़कियों के मध्य जो मैच चला हुआ है झज्जर और अंबाला के मध्य अंतर, इस मैच का स्कोर 12-7 झज्जर के पक्ष में।
सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इन खिलाड़ियों को आशीर्वाद दिया। जूनियर नेशनल स्टाइल राज्य स्तरीय इस टूर्नामेंट में हमारे बीच पहुंचे आदरणीय श्री पवन चौहान जी, ओपी यादव जी व उनके सभी मित्रगण जिन्होंने इन बच्चों को आशीर्वाद दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद अभिनंदन है। और भाई विशेष धन्यवाद केलंगा की इस खेल समिति का भी, जिन्होंने काफ़ी लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं और इस टूर्नामेंट के लिए मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी टूर्नामेंट है, पूरे हरियाणा प्रदेश की टूर्नामेंट है। हर जिले की, चाहे गर्ल्स की बात हो चाहे बॉयज़ की बात हो, सभी टीमों ने यहाँ हिस्सा लिया और उन सब के रहने खाने का जो बहुत ही अच्छा इंतजाम गांव केलंगा में किया, उसके लिए समस्त केलंगा ग्रामवासी बधाई के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। पप्पू पगड़ी वाला हमारे सभी पदाधिकारियों को पगड़ी बांधकर सम्मानित करते हुए ग्राउंड नंबर 3 पर मैच स्टार्ट करवा दे सर। अमेचर कबड्डी एसोसिएशन के जितने भी हमारे जितने जिलों से प्रधान और महासचिव आए हुए हैं, सभी का पप्पू पगड़ी वाला पगड़ी बांध कर सभी का मान सम्मान करेंगे। अमेचर कबड्डी एसोसिएशन हरियाणा के प्रधान और महासचिव जितने भी आए हुए हैं वो एक बार मंच पर आ जाएं। भाई अमेचर कबड्डी एसोसिएशन के जितने भी जिले के प्रधान और अध्यक्ष इस राज्य स्तरीय टूर्नामेंट में पहुंचे हैं, उन सबसे मेरा निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि वो स्टेज पर आ जाएं। जिस मान सम्मान के वो हकदार हैं, वो मान सम्मान उनका किया जाएगा। पप्पू पगड़ी वाला हमारे बीच में अनिल राठी जी रोहतक जिले के प्रधान, उनको भी आप पगड़ी बांधकर उनका मान सम्मान करें। विनोद कुमार जिला करनाल के प्रधान, वो भी यहीं पे हैं, उनका भी मान सम्मान करें। जिला फरीदाबाद के महासचिव श्री सुखपाल जी, उनका भी पगड़ी के द्वारा मान सम्मान करें। नरेंद्र ढांडा जी महासचिव कैथल जिला से, उनका भी पगड़ी बांध कर मान सम्मान करें। ग्राउंड नंबर 1 पर जो लड़कियों का मैच चला हुआ है उसके बीच मध्यांतर हो चुका है। मध्यांतर का स्कोर 16 और 17 झज्जर के पक्ष में
ये मैच एक पॉइंट की लीड के साथ अंबाड़ा के पक्ष में, अंबाड़ा के पक्ष में एक पॉइंट की लीड के साथ अंबाड़ा की टीम आगे। इधर सोनीपत और पानीपत का मैच बहुत ही जबरदस्त चला हुआ है, देखते हैं कौन सी टीम इस मैच में विजय हासिल करके अगले राउंड में प्रवेश करेगी। ग्राउंड नंबर 3 पर करनाल और जींद के बीच मैच चला हुआ है, वो भी बहुत ही जबरदस्त मैच होगा। पानीपत के खिलाड़ी ने गलती की, इसका पूरा फायदा पानीपत के खिलाड़ी ने उठाया। दानवीर की कड़ी में ठाकुर दशरथ सिंह, ने बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन राशि के रूप में 1100 रुपए दान दिए हैं। हम बार बार ठाकुर दशरथ सिंह का धन्यवाद करते हैं। ग्राउंड नंबर 2 पर सोनीपत और पानीपत के मध्यांतर जो मैच चला हुआ है उसका स्कोर 19-15 पानीपत के पक्ष में। मैं ग्रामवासियों से निवेदन करता हूं कि ग्रिल के आगे काफी बढ़ चुके हैं, कृपया अनुशासन बनाए रखें, ग्रिल से आगे न बढ़ें। लड़कियों के वर्ग में अगला मैच पानीपत वर्सेज करनाल, ये दोनों टीमें अपने आप को तैयार कर ले। वेटर से मैं कहूं कि वो ग्राउंड में भी साथ के साथ पानी की व्यवस्था को बनाए रखें, गर्मी अधिक है, कोच साहिबान लगे हुए हैं, मैनेज लगी हुई है, वो इस बात का ध्यान रखें। पूरी एमचोर एसोसिएशन मंच पर विराजमान है, मैं इनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन्होंने राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का अवसर हमारे गांव को देकर के एक बहुत बड़ा कार्य किया, पूरा गांव इनका आभारी है। साथ साथ हरि सिंह कोच का भी हम धन्यवाद करते हैं कि इनकी लगन से, मेहनत से इस प्रतियोगिता का आयोजन करवाया, और इसके साथ साथ जो समिति के सदस्य हैं उन्होंने भी कंधे से कंधा मिला करके दिन रात एक करके इस प्रकार का आयोजन किया है। इसके अलावा हमारे बुजुर्ग जो हैं उन्होंने भी मेहनत करके इसका सफल आयोजन किया है, उनका भी बार बार धन्यवाद करता हूं। श्री सुरेंद्र चहल जी एक बार आप मंच पर आए। हम निवेदन करेंगे, हमारे एमचोर एसोसिएशन के अध्यक्ष विराजमान हैं गांव में, यदि कबड्डी जीत है तो हरि सिंह जी बहुत मेहनत करते हैं, और पूरा गांव रखेगा कि हमारे गांव के लड़कों को प्रतिनिधित्व मिलता रहे, यही हम से बार बार विनती करते हैं, और आपसे उम्मीद है कि आज इस प्रकार की घोषणा भी करेंगे, उम्मीद है कि आपसे कि हमारे बच्चों को प्रतिनिधित्व मिलता रहे।
गांव के सम्मानित बुजुर्गों से अपील करता हूं कि ग्राउंड के अंदर दर्शक जो आए हैं इनको कृपा करके एक बार जाकर के ग्रिल से बाहर करें। जितने भी सम्मानित ग्रामवासी स्टेज पर विराजमान हैं, दो मिनट के लिए एक बार ग्राउंड खाली करवा दें, आपसे मेरी विनती है। और ग्रामवासियों से निवेदन करता हूं कि अपने आप ग्राउंड को खाली कर दें, ग्रिल लगी हुई है, आप कृपा करके मेहरबानी करके आप ग्राउंड से बाहर हो जाएं। घेर लिया है ग्राउंड, देखो क्या हालात हो रहे हैं। एक बार चलना पड़ेगा है। फर्स्ट कोर्ट पे झज्जर और अंबाला का बहुत कांटे का मैच चलता हुआ, श्री जगबीर जी डीपी साहब एक बार मंच पर आए आप। भाई जितने भी दर्शक साथी हैं ये इस ग्रिल से थोड़ा दूर रहे, इस पे अपना बॉडी वेट ना डालें, अपना शरीर का वजन ग्रिल पर ना डालें, थोड़ा ध्यान रखें, ग्रिल से थोड़ा सा पीछे हटके बैठ जाएं। ग्राउंड नंबर दो पर जो पानीपत और सोनीपत के मध्य मैच चला हुआ है उसका स्कोर 21-19 पानीपत के पक्ष में। बिल्कुल कांटे का मुकाबला ग्राउंड नंबर दो पर, पानीपत की टीम दो पॉइंटों से आगे चलती हुई। और भाई राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का ये दूसरा दिन और प्रतियोगिता अपने समापन की तरफ बढ़ती हुई। बिल्कुल रोमांचक मुकाबले, प्रदेश के एक से बढ़कर एक बेहतरीन खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में आए, क्योंकि ये स्टेट चैंपियनशिप है, यहाँ से जिन बच्चों का सिलेक्शन होगा वो नेशनल में जाएगा। तो सभी बच्चों ने अपनी पूरी ताकत लगाई और भाई बहुत ही अच्छा एमएचओर कबड्डी एसोसिएशन का ऑफिशियल स्टाफ जो कि बहुत ही आले दर्जे के ऑफिशियल हैं, क्वालिफाई ऑफिशियल हैं, कल से हम देख रहे हैं जिस प्रकार के उनके डिसीजन हैं। उधर उस साइड बैठा डॉक्टर, सभी दर्शकों ने बड़ी सराहना की है इनके डिसीजनों की।
और बहुत ही जबरदस्त मुकाबला सुपर रेड पानीपत के खिलाड़ी द्वारा सुपर रेड। झज्जर और अंबाला के बीच में गर्ल्स कैटेगरी का मुकाबला ग्राउंड नंबर एक पर। रामविलास सुल्तापुर से एक बार स्टेज के पीछे पहुंचे। डॉक्टर राजमोहन जी, डॉक्टर साहब राजमोहन जी तुरंत पहुंचे। एक बच्चे को अभी चोट लगी है। श्री सुभाष जी खोखो के जनरल सेक्रेटरी हैं, उनसे अनुरोध है आप भी मंच पर आए सर। सुभाष जी खोखो के जनरल सेक्रेटरी। सुभाष जी रोहतक से हैं, खोखो के जनरल सेक्रेटरी, आप भी मंच पर आए सर। और भाई इस प्रतियोगिता में जिन दारुवीरों ने इस खेल कमेटी का सहयोग किया है वो इस प्रकार है। श्री वीरेंद्र उर्फ धीरा धानक 11,000 रुपए, अमरजीत स्नोपोम प्रकाश 11,000 रुपए, और सांसद ब्रजेंद्र